हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को नारुतो शिपुडेन एपिसोड 114 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में छोटा और ओरोचिमारु अपने पेरेंट्स की ग्रेव पर फ्लावर्स रखता है। उसके साथ थर्ड होकागे भी थे। फिर ओरोचिमारु को कुछ मिलता है तो वो थर्ड होकागे से पूछता है कि ये क्या है। तो थर्ड होकागे कहते है कि ये व्हाइट स्नेक की स्किन है। थर्ड होकागे बताते है कि व्हाइट स्नेक की स्किन मिलने का मतलब ये होगा कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारे पेरेंट्स का जन्म दूसरी जगह हो गया होगा और शायद तुम जब बड़े हो जाओगे तुम्हारे पेरेंट्स से मिल सकते हो। तो ओरोचिमारु कहता है कि कितना टाइम लगेगा। थर्ड होकागे कहते हैं कि वो तो मुझे भी नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है, ओरोचिमारु एक निंजा को मार देता है। ओरोचिमारु के पास से सुनाडे का भाई नवाकी गुफा के पास जा रहा था, तभी गुफा के पास ब्लास्ट होता है तो नवाकी मारा जाता है और नवाकी का नेकलेस ओरोचिमारु के पास आकर गिरता है। थोड़ी देर बाद ओरोचिमारु वहां पर ठहरा हुआ रहता है, तभी वहां पर सुनाडे आ जाती है। सुनाडे के साथ जिराया भी थे। ओरोचिमारु नवाकी का नेकलेस निकालकर सुनाडे को दे देता है। थोड़े दिन बाद ओरोचिमारु सुनाडे की टीम की मदद करने जाता है, लेकिन वहां पर सुनाडे की बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है। ये देखकर ओरोचिमारु कहता है कि इंसान कितना ज्यादा कमजोर है और एक इंसान के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका अगर ढूंढ लिया गया तो इंसान कुछ भी कर सकता है। फिर छोटी अंको ओरोचिमारु से पूछती है कि सेंसेई ये क्या है। तो ओरोचिमारु कहता है ये व्हाइट स्नेक की स्किन है, ये गुड लक के लिए होती है। छोटी अंको कहती है कि आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो लेकिन आप एक मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते हो ना। ये सुनकर ओरोचिमारु अंको से कहता है कि नहीं, तुम देखना एक दिन मैं मरो इंसान को भी जिंदा करूंगा और मैं वो पावर तुम्हारे साथ भी शेयर करूंगा अंको। ये सुनकर अंको खुश हो जाती है और ओरोचिमारु मन में कहता है कि ये एक ही चीज से हो सकता है, वो है कर्स मार्क। ओरोचिमारु कहीं जा रहा था, फिर वो इताची को देखता है। इताची वहां पर ट्रेनिंग कर रहा था, फिर पूरे कुनाई इताची के ऊपर अटैक करते हैं। फिर इताची भी अपने कुनाई से उनके ऊपर अटैक कर देता है, वो अटैक को फेल कर देता है। ये देखकर ओरोचिमारु कहता है कि तो ये है शारिंगान की पावर। एक निंजा कितना भी क्यों ना ट्रेन कर ले लेकिन वो जिया को नहीं हरा सकता है। फिर ओरोचिमारु जुत्सु चुराने के लिए एक जगह जाता है, फिर वहां पर वो जुत्सु पढ़ने लगता है और मन में कहता है कि ये जुत्सु सीखने के लिए मुझे एक महीना लगेगा, तो ये बाकी सब जुत्सु सीखने को मेरी पूरी जिंदगी लग जाएगी। तभी वहां पर थर्ड होकागे आ जाते हैं और ओरोचिमारु से पूछते हैं कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। तो ओरोचिमारु कहता है कि मैं अमर होना चाहता हूं, इसलिए मैं वो जुत्सु पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। फिर हम देखते हैं कि जिराया ओरोचिमारु को रोकने की कोशिश करते हैं। ओरोचिमारु नहीं रुकता और जिराया पर अटैक कर रहता है, तो जिराया भी उसे मारकर दूर फेंक देते हैं। फिर हमें पेन को दिखाया जाता है। पेन कहता है कि अकाट्सुकी में एक नया मेंबर आने वाला है। फिर वहां पर आता है इताची उजिया। इताची उजिया को देखकर ओरोचिमारु शॉक्ड हो जाता है। फिर थोड़े दिन बाद इताची और ओरोचिमारु कहीं जा रहे थे। ओरोचिमारु अपने स्नेक से इताची को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी अब मुझे दे दो। फिर इताची ओरोचिमारु पर गेंजुत्सु यूज करता है, तो ओरोचिमारु इताची के गेंजुत्सु में फंस जाता है। ओरोचिमारु इताची के गेंजुत्सु से बाहर आने के लिए अपने हाथ को काट देता है। इताची कहता है कि ओरोचिमारु तुम जितने जुत्सु यूज कर सकते हो यूज कर लो, मेरी आंखें वो सब देख लेगी। प्रेजेंट में सास्के ने ओरोचिमारु को मार दिया था। फिर सास्के को कुछ होने लगता है तो ओरोचिमारु हंसता है और कहता है कि ये स्मोक से तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाओगे। फिर सास्के एक अजीबोगरीब दुनिया में आ जाता है। सास्के कहता है कि मैं कहां पर हूँ। तभी वहां पर ओरोचिमारु आता है और कहता है कि ये मेरी दुनिया है, यहीं पर मैं बॉडी ट्रांसफर रिचुअल करता हूँ, चलो अपनी बॉडी अब मुझे दे दो। तभी वहां पर काबुटो आता है। काबुटो देखता है कि ओरोचिमारु वहां पर मरा हुआ था और सास्के वहां पर ठहरा था। फिर सास्के वहां से जाने लगता है, तो काबुटो पूछता है कि तुम हो कौन। फिर सास्के अपने शारिंगान से काबुटो को बताता है कि हुआ क्या था। काबुटो वही दुनिया में आ जाता है। फिर काबुटो देखता है कि ओरोचिमारु सास्के को ऑब्जर्व करने वाला था, लेकिन सास्के अपना कर्स मार्क को एक्टिवेट करता है। सास्के ओरोचिमारु को स्नेक्स को ब्लैक ब्लैक कर देता है। ओरोचिमारु कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो मॉन्स्टर ओरोचिमारु को खा लेता है और ओरोचिमारु को वहां पर खत्म कर देता है। फिर हमें लीफ विलेज को दिखाया जाता है। नारुतो कहता है कि जरूर कुछ हुआ है। उधर काबुटो सास्के से कहता है कि तुमने लॉर्ड ओरोचिमारु को मार दिया। सास्के कहता है कि नहीं, मैंने उसे ऑब्जर्व कर लिया। एपिसोड 114 यहीं खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।